एक क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों के घर में घुसकर उनके जासूसों को गोलियों से भून दिया, जिनका पूरा परिवार ब्रिटिश हुकूमत का भक्त था, बावजूद इसके उन्होंने अपने देश को चुना और अंग्रेजों को उनके ही घर में मारने वाले पहले भारतीय बने। जिनकी राह पर उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी चले, वे महान क्रांतिकारी हैं मदन लाल ढींगरा। नमस्कार, मैं अदिति शाह, स्वागत है आप सभी का साहित्य तक के इस कार्यक्रम में, जहां हम मना रहे हैं जश्न आज़ादी के 75 सालों का जलसा और मैं आपको सुना रही हूं आज़ादी के दीवानों की, महानायकों की अनसुनी कहानी। आज की कहानी है निडर, निर्भीक, साहसी और महान स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल ढींगरा की। मदन लाल ढींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर दित्तामल ढींगरा एक सिविल सर्जन और बड़े राजभक्त थे। मदन लाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लाहौर में की। बचपन से ही वे क्रांतिकारी स्वभाव के थे, देश प्रेम उनके हृदय में कूट कूट कर भरा था। लाहौर में मास्टर्स करते हुए मदन लाल स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गए। कॉलेज में इंग्लैंड से आए कपड़ों के खिलाफ उन्होंने धरना दे दिया, जिस वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। मदन लाल की विचारधारा और संकल्प साफ थे। उनका मानना था कि भारतीयों के दुखों और गरीबी का मुख्य कारण अंग्रेज ही है, इसलिए क्रांति लानी है चाहे वो जैसे आए। कॉलेज छूटने के बाद वे क्लर्क की नौकरी करने लगे, पर वहाँ भी काम करने वालों ने यूनियन बना लिया तो उन्होंने नौकरी ही छोड़ दी। बड़े भाई की सलाह पे वे लंदन चले गए और साल 1906 में मदन लाल ने लंदन यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। लंदन में मदन लाल की मुलाकात विनायक सावरकर और श्याम जी कृष्ण वर्मा से हुई। उन दोनों को मदन लाल की सोच और हिम्मत पसंद आई। सावरकर क्रांति में भरोसा रखते थे। उन दिनों लंदन का इंडिया हाउस भारत के क्रांतिकारियों का केंद्र था। दरअसल श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी और भारतीय छात्रों के राजनीतिक प्रशिक्षण और रहने के लिए इंडिया हाउस बना था। साफ शब्दों में कहें तो ये भारतीय नौजवानों का एक अड्डा था जो अपने मुल्क को अंग्रेजों की कैद से आज़ाद देखना चाहता था। इस इंडिया हाउस में 25 साल के नौजवान विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का फ्री इंडिया सोसाइटी यानी कि अभिनव भारत नाम का एक सीक्रेट ग्रुप भी था। मदन लाल इंडिया हाउस में ज़्यादा दिन नहीं रहे, पर अंग्रेजों के लिए उनके अंदर आक्रोश भर गया था। सावरकर ने ही मदन लाल को बंदूक चलाना सिखाया था और उन्हें अभिनव भारत संस्था का सदस्य बना लिया। पर फ्री इंडिया सोसाइटी के सदस्य इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वे अपने नेता सावरकर के पास मदन लाल की एक शिकायत लेकर पहुंचे। उन्हें मदन लाल पर भरोसा नहीं था। उन्होंने सावरकर से कहा कि मदन लाल ढींगरा के कारण पूरी सोसाइटी मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि ये जो ढींगरा परिवार है वो ब्रिटिश सत्ता के लिए पूरी तरह वफादार है और उनके उनसे नज़दीकी संबंध भी है। ढींगरा ने भारत में आर्ट्स में पढ़ाई की, फिर लंदन आकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन क्यों ले लिया? शक की एक और वजह थी, वो ये कि ब्रिटिश संसद में भारत से संबंधित मसलों पर इंडिया ऑफिस के सेक्रेटरी की जवाबदेही होती थी। ये ऑफिस अंग्रेजों ने इंडियन कॉलोनी से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए बनाया था और इस ऑफिस के सेक्रेटरी और राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली थे। कर्जन का रुतबा ऐसा था कि उसे आई ऑफ द एम्पायर इन एशिया कहा जाता था, यानी एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य की आँख। फ्री इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को इसी आँख का डर था कि कहीं ये आँख ढींगरा के सहारे उन्हें ना देख ले। इंडिया के वॉइसरॉय ने कर्जन को भारतीय छात्रों के विद्रोह को ख़त्म करने के लिए एक कमेटी में अपॉइंट किया था। वो भारतीय छात्रों की जासूसी करता था। जासूसी के दौरान ही उसे मदन लाल के क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में पता चल गया। उसने फौरन मदन लाल के पिता को सलाह दी कि वे अपने बेटे को इंडिया हाउस से दूर रखें, लेकिन पिता और भाइयों के समझाने के बाद भी ढींगरा नहीं माने। उधर ढींगरा पर उनके ही लोग शक कर रहे थे। हालांकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होने पर इंडिया हाउस के नेता सावरकर ने कहा कि हमें कुछ दिन और इंतज़ार करना चाहिए। इसी दौरान क्रांतिकारियों ने जासूस कर्जन वाइली की हत्या का प्लान बनाया और ये काम सौंपा गया ढींगरा को। ढींगरा के पास यही मौका था कि वे अपनी देशभक्ति को साबित कर सकें। तारीख 1 जुलाई 1909, ढींगरा इंपीरियल इंस्टीट्यूट लंदन में हो रहे एक फंक्शन में पहुंचे।
वहां सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के असिस्टेंट कर्जन वाइली भी मौजूद थी। कार्यक्रम खत्म हुआ, कर्जन भी वहां से निकलने लगे, लेकिन तभी उन्हें कुछ चाहने वालों ने घेर लिया। मदनलाल हिम्मत करके उनके सामने गए और धीमी आवाज में वाइली के कानों में कुछ फुसफुसाया। वाइली कुछ समझता, इससे पहले ही मदनलाल ढींगरा ने वाइली पर सटासट चार गोलियां दाग दी और वाइली जमीन पर गिर पड़ा। मदनलाल ढींगरा को मौके पर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। किसी भारतीय द्वारा ब्रिटेन में की गई ये पहली राजनीतिक हत्या थी। ढींगरा के घर वालों ने उन्हें पागल कह दिया और उनके पिता ने वाइसराय को एक पत्र लिखा, कहा कि मेरे बेटे ने मेरे मुंह पर काली खोद दी है। ढींगरा पर केस चला, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 17 अगस्त 1909 को 26 साल की उम्र में मदनलाल ढींगरा शहीद हो गए। उस वक्त जब गोरों के सामने हिंदुस्तानी खड़े होने से भी डरते थे, मदनलाल ने कर्जन वाइली की हत्या कर दी। वो सच में एक महान सेनानी, क्रांतिकारी और बलिदानी थे। साहित्य तक पूरे देशवासियों की ओर से मदनलाल ढींगरा को नमन करता है। शुक्रिया।